दोस्तों Xiaomi ने इंडिया में Redmi Note 8 को लॉन्च करके जितने भी मार्केट में लगभग 10,000 से नीचे जो भी फोन थे यहाँ पे सबको बिल्कुल किल कर दिया है। क्योंकि दोस्तों ये फोन 10,000 के प्राइस में लॉन्च हुआ और इसमें आपको काफी अच्छे फीचर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों इंडिया में कुछ दिन पहले Realme भी अपना एक फोन लॉन्च किया था जिसका नाम है Realme 5, जो कि दोस्तों ये फोन काफी अच्छा है, इसमें भी आपको काफी अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट रहेगा, किस फोन को बाय करना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं दोनों फोन का फुल कंपेरिजन करूंगा और बताऊंगा कि दोनों फोन में से कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस फोन में आपको अच्छा कैमरा मिलेगा, किस फोन में अच्छी बैटरी मिलेगी और कौन सा फोन गेमिंग में बेस्ट रहेगा। तो चलिए सब वीडियो में बात करते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोनों फोन के डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे Redmi Note 8 का डिजाइन दोस्तों आपको बैक साइड में काफ़ी अच्छा मिलेगा, इसके बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड में यहाँ पे Gorilla Glass 5 दिया गया है। वहीं अगर बात करते हैं Realme 5 का, तो इसके आपको बैक साइड में इसका भी डिजाइन आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन इसमें आपको बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट की बॉडी दी गई है। हालांकि इसके सामने की तरफ में आपको Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन जरूर दिया गया है, लेकिन इसके बैक साइड में आपको ग्लास देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों बैक साइड में आपको दोनों ही फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। सामने की तरफ बात करते हैं तो दोनों ही फोन में आपको ड्यू ड्रॉप की नोच दी गई है। डिस्प्ले साइज की बात करते हैं तो Realme 5 में आपको 6.5 इंच की एक HD प्लस IPS LCD पैनल दिया गया है, इसमें आपको फुल HD का सपोर्ट नहीं मिलेगा। वहीं अगर बात करते हैं Redmi Note 8 में, तो इसमें आपको दोस्तों 6.3 इंच की एक फुल HD प्लस IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि डिजाइन और डिस्प्ले में दोनों ही फोन यहाँ पे काफी अच्छे रहेंगे, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छी देखने को मिलेगी आपको नोट 8 की। बात करते हैं दोनों फोन के कैमरा के बारे में, तो दोनों ही फोन में आपको बैक साइड में 4 कैमरा देखने को मिलेंगे, जिसमें नोट 8 में आपको बैक साइड में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा रहेगा। हालांकि इसमें आपको सैमसंग का GM1 सेंसर दिया गया है, यानी आपको एक्चुअल फोटो आपको 12 मेगापिक्सल की ही देखने को मिलेगी। दूसरा जो रहेगा 8 मेगापिक्सल का रहेगा अल्ट्रा वाइड लेंस के लिए, और तीसरा रहेगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एनिमल करने के लिए, और चौथा रहेगा 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस के लिए। वहीं दोस्तों बात करते हैं Realme 5 का, तो इसमें आपको बैक साइड में जो मेन कैमरा रहेगा वो रहेगा 12 मेगापिक्सल का, इसमें आपको सोनी का IMX386 सेंसर देखने को मिलेगा। इसका भी जो दूसरा कैमरा रहेगा 8 मेगापिक्सल का रहेगा अल्ट्रा वाइड लेंस के लिए, और तीसरा रहेगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एनिमल करने के लिए, और चौथा इसमें भी रहेगा आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस के लिए। दोस्तों इन दोनों फोन के बैक कैमरा में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो कह सकते हैं कि बैक कैमरा में आपको दोनों ही फोन पे काफी अच्छे रहेंगे, दोनों फोन में आपको काफी अच्छी पिक्चर देखने को मिल जाएगी बैक कैमरा से। सेल्फी कैमरा की बात करें तो दोनों ही फोन में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर 2.0 रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सेल्फी कैमरा में दोनों ही फोन पे बराबर रहेंगे, सेल्फी कैमरा में आपको ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, तो दोनों ही फोन में आपको सेम प्रोसेसर दिया गया है, जो कि है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर, जो कि 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 2 GHz रन करता है। तो दोस्तों आपको परफॉर्मेंस में भी दोनों ही फोन बराबर रहेंगे, परफॉर्मेंस में भी आपको दोनों फोन में अंतर देखने को नहीं मिलेगा, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगा दोनों ही फोन में। अगर गेमिंग के बारे में बात करते हैं तो गेमिंग में भी दोनों ही फोन काफी अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों इन दोनों फोन में अगर आप पबजी HD सेटिंग में खेलेंगे तो आपको खेलने का ऑप्शन फिलहाल में नहीं मिलेगा, तो आप इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं दोनों फोन के रैम और स्टोरेज के बारे में, तो दोनों ही फोन में यहाँ पे रैम स्टोरेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे Realme 5 में आपको इंडिया में 3 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, जिसमें पहला इसमें आपको 3 GB की रैम 32 GB की स्टोरेज मिलेगी, दूसरा जो इसमें आपको 4 GB की रैम 64 GB की स्टोरेज मिलेगी, और जो तीसरा इसमें आपको 4 GB रैम साथ में 128 GB की स्टोरेज दी गई है। वहीं अगर बात करते हैं नोट 8 का, तो ये फोन आपको इंडिया में 2 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, लेकिन दोस्तों इसका जो स्टैटिक वेरिएंट है आपको इसमें आपको 4 GB की रैम और 64 GB की स्टोरेज मिलेगी, और दूसरा जो है इसमें आपको 6 GB रैम साथ में 128 GB की स्टोरेज दी गई है। दोस्तों आपको दोनों फोन में 2 SIM 1 मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे काफी अच्छी बात है कि आप इन दोनों फोन में आराम से 2 SIM 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोनों ही फोन एंड्रॉइड के 9.0 पाई पे रन करेंगे। अगर बैटरी की बात करते हैं तो Realme 5 में दोस्तों आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, लेकिन इसमें आपको टाइप सी नहीं मिलेगा और ना ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। जबकि नोट 8 की बात करते हैं तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, साथ में इसमें आपको टाइप सी भी दिया गया है, और इसके साथ में आपको 18 W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे Xiaomi ने पहली बार बॉक्स में भी फास्ट चार्जर देने का ऐलान किया है, तो इसके बॉक्स में भी आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं दोनों फोन के अदर फीचर के बारे में, तो दोनों ही फोन में आपको फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा, दोनों ही फोन में आपको 3.5 mm जैक, OTG और डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे Redmi Note 8 में आपको IR ब्लास्टर का सपोर्ट मिलेगा, जो कि यहाँ पे काफी अच्छा फीचर है, जो कि यहाँ पे Xiaomi अपने
हर फोन में देता है। तो फीचर वाइज दोनों फोन काफी अच्छे हैं, दोनों फोन में आपको काफी अच्छे फीचर भी मिल रहे हैं। अब मेन बात करते हैं दोनों फोन के प्राइस के बारे में। तो रेडमी नोट 8 का जो पहला वेरियंट है दोस्तों ये लॉन्च हुआ है 9,999 रुपये में, और जो सेकंड वेरियंट है लॉन्च हुआ है 12,999 रुपये में। वहीं दोस्तों रियलमी 5 की बात करते हैं दोस्तों, ये फोन आपको लॉन्च हुआ है 9,999 रुपये में, जो सेकंड वेरियंट है लॉन्च हुआ है 10,999 रुपये में, और जो लास्ट वेरियंट है लॉन्च हुआ है 11,999 रुपये में। लेकिन इस फोन का जो प्राइस है फिलहाल कंपनी ने 1,000 रुपये कम कर दिया है। तो दोस्तों अब मेन बात करते हैं दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट रहेगा, किस फोन को बाय करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही फोन बिल्कुल अच्छे हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन दोस्तों एक रीजन सिर्फ है जिसके चलते आप Realme 5 ले सकते हैं, वो है दोस्तों इस फोन की बैटरी। जी दोस्तों, इसमें आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है। तो दोस्तों अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए तो आराम से Realme 5 ले सकते हैं। बाकी दोस्तों कह सकते हैं कि हर मामले में यहाँ पे Redmi Note 8 काफी अच्छा है। हालांकि दोस्तों Realme 5 भी अच्छा फोन है, अगर आपको Realme की ब्रांडिंग लेनी है तो आराम से इस फोन को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो Note 8 है दोस्तों, इसके बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड में आपको ग्लास मिल रहा है, इसमें आपको 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है, बॉक्स में भी आपको फास्ट चार्जर मिल रहा है, इसके साथ में आपको टाइप सी भी मिल रहा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपके लिए Note 8 यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट रहेगा। वैसे दोस्तों आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन अच्छा लगा, आप इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बाय करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।